ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं फॉर अपॉइंटमेंट, वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, इधर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन और देखते हैं स्कॉर्पियो ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ओके, हाइबरनेशन दैट मींस स्लीप मोड। अगर लव लाइफ की बात करें तो इट्स अबाउट नथिंग मेजर इज हैपनिंग, ठीक है स्कॉर्पियो, दैट्स नॉट माय फॉल्ट, इसमें मेरी गलती नहीं है, बट येस दिस इज़ द थिंग। और हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा किसी को लेके फ्लक्चुएट कर रही हैं। एक्सक्यूज मी, येस होल्डिंग बैक, ठीक है होल्ड बैक, दैट मीन्स कि आप किसी को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू आर जस्ट फाइन, जस्ट चेकिंग, तो वो वाली एनर्जी हो सकती है। यस, या हो सकता है कि थोड़ा सा पीछे रख रहे हैं अपने आपको, यू नो ईगो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ऑन ऑफ, मे बी ये रीज़न हो सकता है, ऑन ऑफ वो चीज़ें हो सकती हैं। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो मे बी नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है, एंड मे बी हो सकता है दैट यू आर नॉट फेसिंग ईच अदर। थर्ड पार्टी इशूज़ हो सकते हैं, मे बी यू आर इन अ थर्ड पार्टी, मे बी दिस पर्सन इज अ थर्ड पार्टी, ठीक है। इस पर्सन का मूव क्या है? आई थिंक पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है दैट दिस पर्सन इज़ लाइक दे आर डूइंग समथिंग, जो कि शायद हो सकता है कि ये कुछ लाइक पीपल आर यू नो लुकिंग अप टू देम, या हो सकता है कोई प्लेटफॉर्म हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म, या कोई नोन पर्सन हो, ये ऐसी कोई हो सकती है पर्सनैलिटी, या मे बी इट्स अबाउट दैट दे दिस पर्सन इज सीकिंग अटेंशन, ठीक है, और इसलिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है, या हो सकता है कि आपकी तरफ आना तो चाहते हैं पर बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, या बहुत कुछ चल रहा है और मे बी दे आर वेटिंग फॉर अ मोमेंट। हो सकता है कि किसी मूवमेंट का वेट कर रहे हैं, या फ्रॉम योर साइड स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से। आगे की अगर बात करें, जगलिंग, ठीक है, एक जगल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। किसकी साइड से है आई डोंट नो, आप दोनों की ही साइड से लग रही है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे रख रहे हैं, और ये जो पर्सन है दे आर इन्वॉल्व, वो अपने काम में इन्वॉल्व है, बिजी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट, अगेन वी हैव 777, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को रियलाइज़ हो रही है, कुछ चीज़ें हैं जो ये मतलब यू नो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप, या मे बी हो सकता है दिस पर्सन इज़ लाइक रियलाइजिंग दैट मे बी हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए नहीं हैं, तो मे बी इसलिए अपने आप को वो पीछे रख रहे हैं, या ऐसी कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो चेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है। और अगर आप सिंगल स्कॉर्पियो हैं देन आई थिंक इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, इट्स अबाउट दैट यू आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड कहीं यू नो आगे की तरफ, लाइक हीलिंग योर सेल्फ, या डिस्टेंस कर रहे हैं आप, आपको डिस्टेंस कर रहे हैं किसी से। करियर वाइज आई थिंक ये जो हफ्ता है, फर्स्ट अगर मैं बात करूं कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रगल करें और उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसका आप वेट कर रहे हैं। वी हैव न्यू एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ के लिए हो सकता है दैट इट्स योर लाइक आपकी सैलरी या पे ड्यू है, वो चीज़ आ रही है, ठीक है, सो यू विल बी फीलिंग गुड, हैप्पी, कंटेंट, या कुछ नया प्रोजेक्ट आ सकता है, या हो सकता है आप कुछ नई जॉब है आप चेंज कर रहे हैं सेलिब्रेशन टाइम, या ऑब्वियसली ईयर एंड है तो कुछ चीज़ें यू नो कुछ चेंज हो रहा है, सो दिस इज़ द थिंग, विक्ट्री, सक्सेस इज कमिंग, ठीक है। तो वेट कीजिए, आई थिंक ये जो हफ्ता है स्पेशली
यस, वी हैव दैट ब्यूटिफुल एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स हियर, सो मे बी मनी इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, या हो सकता है कि येस थिंग्स आर गेटिंग बेटर, अगर हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें. तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो एंजल्स की तरफ से. ओके, लेट गो, लेट गो. एंजल्स आपको चाहते हैं लेट गो कीजिए, फ्री अप योर माइंड एंग्जाइटी प्रेशर. ठीक है, अगर कुछ है, अगर आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं. देखिए आज मेरा भी थ्रोट चक्र ऐसा हो रहा है, ठीक है, सो मे बी देयर इज़ अ थिंग. इसमें ये चीज़ है कि यस बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, या बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आ रही है. सो आई थिंक एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं टू बी इन टू योर ओन जोन, और हैप्पी रहिए जैसे आप हैं, केयरिंग शेयरिंग, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट योर एनर्जी, एंड डोंट कीप ऑन वेटिंग वेटिंग वेटिंग. मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अंदर अंदर अपने आप को बांध के रखते हैं, वो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, और स्लो, वेरी स्लो एनर्जी समटाइम्स, यू नो, लाइक बहुत स्लो है, बहुत इनिशिएट, मतलब इतनी जल्दी नहीं करते हैं, या अपने आप को पीछे पीछे रखते हैं. कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट इज़ द रीज़न जो आपको परेशान करता है, मे बी कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है. सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए.